चलिए बनाते हैं आलू दम की मजेदार सी सब्जी। इसके लिए मैंने बेबी पोटैटो लिए हैं, जिसमें मैंने फोक की हेल्प से ऐसे थोड़े से होल कर लिए हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल लेके इन्हें शैलो फ्राई कर लिया है, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने दिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर एंड नमक। मैंने ऐड करा है हाफ कप दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने सेम कढ़ाई में 1 टीस्पून जीरा लिया है, उसके बाद हींग डाली है। अब मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली एंड चॉप्ड गार्लिक डाला है। गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से सौते करा है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर। टमाटर अच्छे से पक जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू को मैरिनेट करा था। इसे हमें अब थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूसली स्टर करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए, मैंने इसमें ऐड कर दिया है कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला एंड इसे थोड़ी देर और ढक के पकाया है। 4 मिनट के लिए ढक के पकने दिया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर एंड यस इट इज रेडी।